आप सभी जिलेवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। ईदगाह में अता की ईद उल फितर की मुख्य नमाज, मुस्लिम समाज के नेताओं ने की मुलाकात, एक दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद। जिले में सुबह से ही ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद उल फितर को लेकर मुस्लिम भाइयों ने हाईवे के पास स्थित ईदगाह में शहर काजी डॉक्टर मतीन खां गौरी के साथ ईद की नमाज अदा की। जिले भर में ईद के पर्व को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ था, जिसे देखकर धौलपुर जिले में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल दिखाई दी। शहर की मुख्य ईदगाह पर हुई नमाज के बाद मौके पर पहुंचे विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने भी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं मुख्य नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने गरीब परिवारों को अपने हिस्से की जकात दी। नमाज के दौरान शहर काजी डॉक्टर मतीन खां गौरी ने सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि धौलपुर जिले में हमेशा से ही प्रशासन ने उनका साथ दिया है, जिसके लिए वह प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों करंट की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत के मामले में भी उन्होंने प्रशासनिक मदद का धन्यवाद देते हुए कहा कि विधायक ने भी उन्हें 25 लाख की मदद का आश्वासन दिया था, जो किसी कारणवश अभी तक पूरा नहीं हुआ। ईद उल फितर के बाद विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में भारी पुलिस बंदोबस्त भी तैनात रहा। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम हमारे यहाँ, साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर सेपो रोड धौलपुर, प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 94-14-58-37-70, निर्देशक इंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 80-05-88-89-39। अस्पताल संघर्ष समिति को दिया पार्षद, सरपंच और अनेक समितियों ने समर्थन। अस्पताल संघर्ष समिति के तत्वाधान में चल रहे जिला अस्पताल के स्थानांतरण के विरोध को लेकर पार्षद, सरपंच, अनेकों समितियों और सैकड़ों शहर के लोगों ने दिया समर्थन। साथ ही पार्षद, सरपंचों और अनेकों समितियों ने अपने पत्र के माध्यम से कहा कि जिला अस्पताल के स्थानांतरण को लेकर विरोध की इस मुहिम में संगठनात्मक रूप से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम हर समय तैयार है। जहां भी सहयोग की अपेक्षा होगी, वहां हर संभव आपकी मुहिम में सहयोग करने के प्रयासरत है, आगे भी रहेंगे तथा 13 अप्रैल 2024 शनिवार प्रातः 11 बजे भार्गव वाचिका पर एकत्रित होने की मुहिम को लेकर कल शुक्रवार को सभी अस्पताल संघर्ष समिति के सदस्य, पार्षद, सरपंच, समितियों, शहर के प्रबुद्ध जनों की भागीदारी के साथ मजबूत रणनीति तैयार की जाएगी। समर्थन देने वाली समितियों में अग्रवाल महासभा, खांडसारी व्यापार संघ, धौलपुर सराफा संघ, केमिस्ट एसोसिएशन संघ, एमआर एसोसिएशन संघ, स्वर्णकार संघ, रेडीमेड व्यापार संघ, रणछोड़ नगरी संघ, रहना वाली समिति, सेवा संघ, मुस्लिम वेलफेयर संघ, व्यापारी संघ, पार्षद विक्रम सिंह भास्कर, पार्षद हौतम सिंह लोधा, पार्षद आजाद खान, पार्षद किशन सिंह, भैसेना सरपंच यादव और अन्य लोग मौजूद रहे। नवदुर्गा पर्व के उपलक्ष्य में जगह जगह लगे भंडारे। चैत्र मास के नवदुर्गा एवं हिंदू नववर्ष पर्व को देखते हुए धर्म प्रेमियों और श्रद्धालुओं की भी कोई कमी नहीं है। धौलपुर जगदीश टॉकीज से लेकर केला देवी भवन तक सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भंडारे, प्याऊ, मिनी हॉस्पिटल आदि का काम माता रानी के भक्तगण और श्रद्धालु बड़े ही मनोभाव से कर रहे हैं। कहते हैं कि माता रानी जब देती है तो छप्पड़ फार कर देती है। धौलपुर और करौली, केला देवी आदि स्थानों पर भक्तों और श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं है। इधर नव दुर्गा के उपलक्ष्य में बालाजी ग्रुप ने भी केला देवी जाने वाले श्रद्धालुओं की निष्पक्ष सेवा का कार्य किया है, जिन्होंने भी हाउसिंग बोर्ड चौकी के पास
बाड़ी रोड पर भंडारा लगाकर श्रद्धालु और माता रानी के भक्तों की सेवा करने का संकल्प लिया है, जिसमें हलवा पूड़ी, सब्जी, केला, पेठा, संतरा, अंगूर, बिस्किट, नमकीन, खीर, चने, ठंडा पानी के द्वारा माता रानी के भक्तों की 9 दिन तक बराबर सेवा जारी रहेगी। बालाजी ग्रुप ने कमेटी के अध्यक्ष और मचकुंड महंत विष्णु भारती ने बताया कि मनुष्य को निष्पक्ष और बिना स्वार्थ की सेवा करनी चाहिए, तो माता रानी अपने भक्तों पर जल्दी कृपा करती हैं। इस मौके पर बालाजी ग्रुप के अध्यक्ष विष्णु भारती, बलबीर सिंह, भरत गिरी, रवि शर्मा, विठलाल शर्मा, सचिन पचौरी, हरिओम सिंगल, कृष्ण कुमार सिंगल, गोपाल वन, वैद्य वासुदेव गिरी, बलराज सिंह, गुरु प्रसाद पाठक सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। पुलिस ने अवैध शराब के 102 पौवों सहित आरोपी को किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में की गई कार्यवाही। सर्वजला जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध शराब वाले धरपकड़ अभियान के तहत सरमतरा थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब के 102 पौवों सहित एक मुलजिम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही संदर्भ में थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उपखंड के मड़ासिल पुल पार्वती नदी के पास कार्यवाही करते हुए आरोपी राम लखन कहार पुत्र बन्नाराम कहार उम्र 30 साल निवासी गाँव मड़ासिल थाना सरमतरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने उक्त मुलजिम के कब्जे से अवैध देसी शराब के 102 पौवों को भी जब्त करते हुए उक्त मुलजिम के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी गौरव कुमार, विशाल सिंह, श्याम बाबू, शिव कुमार, नरसी राम, सुरेंद्र सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। एक दूसरे को गले मिलकर दी ईद की बधाई, मांगी अमन चैन और भाईचारे की दुआ। जिले भर में आज ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। साथ ही लोगों के द्वारा गरीबों के लिए खैरात भी बांटी गई। इसी क्रम में ही सरमतरा कस्बा में भी आज ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया और मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। साथ ही ईद की मुख्य नमाज ईदगाह पर कारी सर गुरुद्दीन खान ने अदा की। हजारों मुस्लिम भाइयों ने एक साथ नमा अजा कर अमन चैन की दुआ मांगी। साथ ही घरों में भी महिलाओं ने सेवई चावल सहित अन्य पकवान बनाए। साथ ही इस दौरान हमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भी मिसाल देखने को मिली, जिसमें बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों सहित अन्य हिंदू समुदाय के लोगों ने भी गले मिलकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान शहर काजी शहजाद खान, इस्लामुद्दीन भुट्टो खान, मुनव्वर खान, चेयरमैन जलाउद्दीन खान, अस्पाक खान हवलदार, शाहिद परवेज, कयूम खान, सराफत खान, जिन्ना हाजी, मुजाहिद खान, आजाद खान, मुलाजी अवरार खान सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। गणगौर पर्व पर महिलाओं ने की विशेष पूजा अर्चना। जिले भर में आज गणगौर का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें सुहागिन महिलाओं ने सामूहिक रूप से विशेष पूजा अर्चना की और भगवान शिव और माता पार्वती से खुशहाली की कामना की। साथ ही इसी क्रम में ही सरमथरा कस्बा में आज गणगौर का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने सामूहिक रूप से ईश्वर और गणगौर की पूजा करके सुख समृद्धि की कामना की और पेड़ छूकर आशीर्वाद दिया। साथ ही आपको बता दें कि इस पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह रहता है और महिलाएं मैदा से बने विशेष पकवान गुना बनाती हैं और ईश्वर और गणगौर को भोग लगाया जाता है। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती नारद जी के साथ एक बार पृथ्वी के भ्रमण पर आए थे, तभी एक गांव की कुछ निर्धन महिलाएं अपने साथ दूध फल फूल लेकर पहुंची तो माँ पार्वती ने उन पर अपना सुहाग छिड़क दिया। इसके बाद कुछ धनी परिवार की महिलाएं भी अपने हाथों से पकवान लेकर पहुंची तो भगवान शिव बोले कि आपने अपना सुहाग रस तो उन महिलाओं को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तो माँ पार्वती ने कहा कि इन्हें मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। और इतना कहते ही माँ पार्वती ने अपनी एक उंगली काट कर उसमें से निकलने वाले रक्त को उन महिलाओं पर छिड़क दिया। जब से सुहागिन महिलाएं प्रतिचैत्र शुक्ल की तृतीय के दिन गणगौर की पूजा अर्चना करती हैं।
चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। गणगौर मेले को लेकर बसेड़ी में दिखाई दी रौनक। बसेड़ी में गणगौर के मेले को लेकर बाजार में दिखाई दी चहल पहल। चैत्र माह की नवरात्रि के तीसरे दिन यानी तीज के दिन जिले भर में गणगौर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सज सवर कर गणगौर की पूजा कर सुनी पौराणिक कथा और विधिवत परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की, साथ ही मंगल गीत गाकर गणगौर का उत्सव मनाया गया। साथ ही कुछ शहरों में पुराने रीति रिवाज के अनुसार सुंदर सुंदर झांकियां निकाली जाती हैं। सुंदर झांकियों को लेकर बसेड़ी बाजार को सजाया गया, साथ ही रोशनी और सफाई की गई। शाम को 6 बजे से दूर दूर गांवों के बच्चे और महिलाओं की भारी संख्या में भीड़ आना शुरू हो जाएगी। सरकार की तरफ से गणगौर मेले में शांति बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस प्रशासन की विस्तार मौजूद है। बसेड़ी से पुनित परमार की रिपोर्ट। संभागीय आयुक्त ने स्थैतिक निगरानी दल चेक पोस्ट का किया निरीक्षण। संभागीय आयुक्त सावरवल वर्मा ने बुधवार देर शाम लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए जिले में बनाए गए स्थैतिक निगरानी दल चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वरेटा तथा वसई नवाब स्थित स्थैतिक निगरानी दल चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चेक पोस्ट पर संधारित जांच रजिस्टरों का निरीक्षण किया। उन्होंने वाहनों की सघन चेकिंग कर निर्वाचन की दृष्टि से अवैध सामग्रियों के सीजर की कार्यवाही करने हेतु चेक पोस्ट पर तैनात कार्मिकों को सख्त जांच के निर्देश दिए। उन्होंने चेक पोस्ट पर तैनात कार्मिकों को अपना कार्य गंभीरता से करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की दृष्टि से संभावित अवैध वस्तुओं की जाँच करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मलाल जाट साथ में मौजूद रहे। सेपू कस्बे में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद का पर्व। ईद के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी व भाईचारे का संदेश दिया। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस ने भी पेट्रोलिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से किया। सेपू कस्बे के सांप्रदायिक सौहार्द देखने को मिला, जिसमें हिंदुओं ने भी मुसलमान लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी और गले मिलकर भाईचारे का संदेश दिया। सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिला और लोग ग्रामीण इलाकों से मस्जिद की ओर आना शुरू हो गए और 9:30 बजे नमाज अदा की गई, जिसमें मौलाना मंजूर शेख ने और मौलाना मुसीर ने सेपू कस्बे में नमाज अदा करवाई, जिसमें मदरसा कमेटी सदर हजरत खान अवरार फारूकी, सौरभ शाह, नासिर भाई, रमदीन मलिक, खजान शाह सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया व नमाज अदा की। सतरंगी सप्ताह का दूसरा दिन विशेष बैंड ने बिखेरी सुमधुर स्वर लहरिया। सतरंगी सप्ताह के दूसरे दिन जिले के विभिन्न स्थानों पर विशेष बैंड की सुमधुर स्वर लहरिया गूंजी। इस दौरान राजस्थानी लोक संस्कृति से ओतप्रोत धुनों के साथ 100% मतदान का संदेश दिया गया। अंगुली पर निशान, राष्ट्र के नाम स्लोगन लिखी तख्तियों के साथ कामदार मजदूर और दिहाड़ी मजदूरों ने 100% मतदान की प्रतिज्ञा ली। स्वीप प्रकोष्ठ सह प्रभारी भूपेश गर्ग ने बताया कि सतरंगी सप्ताह के तहत प्रतिदिन विभिन्न लक्षित वर्ग के मतदाताओं के साथ जागरूकता की गतिविधियां आयोजित की जा रही है। सतरंगी सप्ताह दूसरे दिन श्रम उद्योग और पंचायत समितियों द्वारा स्वीप गतिविधियों का संचालन किया गया, जिसका लक्षित वर्ग कामगार, श्रमिक एवं मजदूर थे। इस हेतु जिले के समस्त उपखंडों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों से संपर्क कर बैंड द्वारा मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियों का संचालन किया गया। इस अवसर पर रीको इंडस्ट्रियल एरिया धौलपुर में ढोल के साथ जागरूकता कार्यक्रम किया गया। जिले में स्थापित कागज, मेडिकल डायरी, मिल्क फूड प्रोडक्ट्स और पत्थर उद्योग की इकाइयों द्वारा शपथ ग्रहण कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र मितुल गोयल ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार निर्वाचन के दौरान श्रमिकों के लिए सवैतनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान प्रत्येक श्रमिक अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने सभी को ये शपथ दिलाई।
आगामी लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने, आचार संहिता का सख्त पालन करने, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने और मतदाताओं को भयमुक्त करने के उद्देश्य को लेकर थाना देहोली इलाके में पुलिस, अर्धसैनिक बलों और हरियाणा की इंडियन रिजर्व बटालियन के अधिकारियों व जवानों ने पैदल फ्लैग मार्च किया। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगिड़ के नेतृत्व में जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पुलिस व अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी द्वारा प्रतिदिन जिले में अलग अलग स्थानों, संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर फ्लैग मार्च कराया जा रहा है और आमजन से भयमुक्त होकर मतदान का संदेश दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने व शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने, आदर्श आचार संहिता का सख्त पालन करने, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने और मतदाताओं को भयमुक्त करने के उद्देश्य से पुलिस व अर्धसैनिक बल के अधिकारियों व जवानों ने कई व संवेदनशील मतदान केंद्रों पर रूट मार्च निकालकर मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दे रही है। आज बसईडांग थाना अधिकारी घनश्याम सिंह के नेतृत्व में कस्बा नगर, भगतपुरा, ज्वारिकापुरा, रजई खुर्द आदि में थानाधिकारी बसेड़ी ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में कोटरा, पिपरौन, झिरी, भमपुरा, शंकरपुरा, हलपुरा, दुर्गसी, खेरी, पदमपुरा, दीवानपुरा आदि में एवं देहोली थानाधिकारी परमजीत सिंह के नेतृत्व में हतवारी, ठोड़ी का पुरा, मरेना, मछरिया, माधो का पुरा, बीच का पुरा, जैतपुर आदि में पुलिस बल, अर्धसैनिक बल एवं इंडिया रिजर्व बल के जवानों ने पैदल फ्लैग मार्च कर आमजन को निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की और सी विजिल ऐप के बारे में भी जागरूक किया गया। अभिनव प्रचार के माध्यम से पूर्व विधायक सुखराम कोली के नेतृत्व में किया जा रहा है प्रचार प्रसार। आगामी दिनों में संपन्न होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए करौली धौलपुर लोकसभा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली ने अभिनव प्रयोग करते हुए भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के लिए सरमथरा कस्बा में जगह जगह वोट मांगे थे। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की संगीतमय प्रस्तुति के माध्यम से भगवाधारियों ने जगह जगह जनसंपर्क किया और मतदाताओं को वोट डालने के लिए जन जागरण अभियान चलाया और साथ ही पूर्व विधायक के इस तरह से चुनाव प्रचार को लेकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व के नेताओं सहित आम नागरिक की प्रशंसा कर रहे हैं और पूर्व विधायक का लोगों के द्वारा जगह जगह स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। इस दौरान पूर्व विधायक सुखराम कोली, राजेश यादव, मुकेश श्रोतित, भूदेव शर्मा, नीरज तिवारी, संजय बारासर, प्रीति अग्रवाल, प्रेम नारायण सोनी, सपना गोयल, विजय गर्ग, गोपाल जाधव, नितिन शर्मा, डॉक्टर प्रवीण गर्ग, बनवारी तिवारी, सोनू कुमार, शर्मा चरोरे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। भयमुक्त मतदान को लेकर पुलिस द्वारा किया गया फ्लैग मार्च। सरमथरा जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में भयमुक्त होकर मतदान को लेकर आज सरमथरा थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस के जवानों के द्वारा रीजरी, झिरी, भमपुरा, दुर्गसी, शंकरपुर, हल्लूपुरा, खेमरी, पदमपुरा आदि गांवों में फ्लैग मार्च किया गया और लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने को प्रेरित किया गया। साथ ही संदर्भ में थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि आगामी दिनों में संपन्न होने वाले लोकसभा चुनावों के मतदान को लेकर यदि कोई असामाजिक तत्व या कोई व्यक्ति विशेष आप पर मतदान को लेकर कोई दबाव बनाता है, आपको परेशान करता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दे। पुलिस प्रशासन आपके साथ है, आप भयमुक्त होकर मतदान अवश्य करें। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। नादोली थाना बसेड़ी पुलिस ने पूरन सिंह तेली को किया गिरफ्तार। नारायणपुर थाना बसेड़ी पुलिस ने पूरन सिंह तेली, पुत्र फेरन, जाति तेली, मुसलमान, उम्र 65 साल, निवासी नादनपुर थाना बसेड़ी जिला धौलपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर सुमित मैणा आईपीएस के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस और एडीएफ कमल कुमार आईपीएस और वृत्ताधिकारी सरमथरा नरेंद्र कुमार मीणा आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में राजेंद्र गिरी थाना अधिकारी नादनपुर बसेड़ी जिला धौलपुर में जाप्ता द्वारा पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों तथा स्थायी वारंटी 299 अपराधियों को गिरफ्तार हेतु विशेष अभियान की कार्यवाही हेतु
स्थाई वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस उपरांत थाना नादनपुर बसेड़ी की पुलिस टीम, राजेंद्र गिरी थानाधिकारी पुलिस थाना नादनपुर बसेड़ी जिला धौलपुर, हरि सिंह, मनोज कुमार, अनिल कुमार, राकेश कुमार गुर्जर आदि लोगों ने वारंटी मुलजिम को पकड़ने में सफलता हासिल की है। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। नवरात्रि और त्योहारी सीजन को देखते हुए जाम बना आम। नवरात्रियों का पर्व एवं हनुमान जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही नजदीक है। इधर ईद के पर्व पर धौलपुर शहर में जगह जगह जाम ने एक आम रूप धारण कर लिया। अब जाम लगना कोई बड़ी बात नहीं है। दोपहर धौलपुर शहर में प्रतिदिन जाम सुबह शाम करीब 17 बार जाम लगी जाता है। आज ईद के पर्व पर धौलपुर शहर में जाम ने लोगों को रास्ता पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। ई रिक्शा, ऑटो वाले, उत्तर मध्य रेलवे, आरक्षित अनारक्षित टिकट और पूछताछ कार्यालय धौलपुर जंक्शन के पास एवं टिकट घर रेलवे स्टेशन के आम रास्ते में ऑटो और ई रिक्शा अपने स्वार्थ को सिद्ध आम रास्ते को बिगाड़ रहे हैं। माहौल रेलवे चौकी पुलिस और जगह जगह लगी ट्रैफिक पुलिस खाकी बनी सोपीश, ई रिक्शा और ऑटो चालक फूटा दरवाजा, हरदेव नगर, लाल बाजार, सराय गजरा, हनुमान तिराया, धूलकोट, संतर रोड, डाकखाना चौराहा, बजरिया और पुराना शहर में इन लोगों ने पूरी तरह से शहर का माहौल बिगाड़ दिया है। अपनी मनमर्जी से चाहे जहां ऑटो रिक्शा को आड़ा टेढ़ा तिरछा खड़ा करके सवारियों को भरने में लग जाते हैं, तब तक पीछे से आ रहे राहगीरों और आने वाले यात्रियों की ट्रेन रेलगाड़ी बन जाती है, जिससे खासकर महिलाएं, बच्चे और लड़कियों और बुजुर्ग लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इधर ऑटो ई रिक्शा इतनी स्पीड से चलते हैं कि उस ई रिक्शा ऑटो में बैठने वाले आगे आकर गिर जाते हैं और कभी भी चोटिल हो जाते हैं। इधर नेशनल हाईवे संख्या 44 आवागमन और वाहनों की भी बनी रेलगाड़ी, आप देख सकते हैं ऐसे वाहन चालक जो रोड सड़क पर गलत तरीके से वाहन चलाते हैं, उन लोगों की ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, तभी हम पूरी तरह से क्लीन धौलपुर, ग्रीन धौलपुर का सपना पूरा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम चंबल प्रभा, धौलपुर।